नमस्कार दोस्तों, खाद्यांश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो टिप्स जो आपकी रसोई में काफ़ी काम आएंगे। तो अपनी यम्मी रेसिपीज़ के साथ में एंजॉय करने के लिए एक चटपटी चटनी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 चम्मच ले ली है मूँगफली, और इसे मैं पानी से भिगो करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी, और इतने में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर जब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे चटनी में, तो ये बहुत ही अच्छे से फाइनली पेस्ट भी तैयार हो जाएगा। चटनी बनाने के लिए मैंने अदरक हरी मिर्च ली हैं, 10 से 12 हरी मिर्च ली हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 1 मैंने ले ली है कच्ची कैरी। तो इन दिनों में अभी आपको आसानी से मिल जाएगी, तो बस छील करके हम उसे काट लेंगे। और ये देखिए 3-4 घंटे के बाद में मूँगफली अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, और मूंगफली हमारी जो कैरी की खटास है उसको बैलेंस करने के भी काम आएगा, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट भी हमारी चटनी को देगा। तो ये मैंने सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल दिया है। तो जो चटनी का जार होता है छोटे वाला, उसमें हम डाल देंगे ताकि अच्छा फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाए। और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है, और इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हम अभी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड होने के बाद में ये चटनी तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़्यादा खट्टी भी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें हमने मूंगफली डाली है। तो ये वाली रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है, और चटनीज़ मेरी हमेशा फेवरेट होती है, तो बगैर चाटे मैं रह नहीं सकती हूँ। तो बहुत टेस्टी बनी है, आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये लीजिए हेल्दी वाली चटनी तैयार हो चुकी है, इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक, और ये हेल्दी भी है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब है टिप नंबर 2, लहसुन और अदरक का पेस्ट घर पे बनाते हैं ना तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी रहती है, और इसे आप अपनी सब्जियों में ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सब्जियां भी बनती हैं। इक्वल क्वांटिटी में मैंने लहसुन और अदरक ले लिया है, आप जो भी आपको पसंद हो आप वो ज़्यादा डाल सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दें, और कुछ सेकंड मिक्सी को चलाएं, और फिर आप एक बारी चम्मच घुमा लें, और फिर से कुछ सेकंड आप मिक्सी को चलाएंगे तो एकदम फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो बाज़ार का जो मार्केट का मिलता है पैक्ड वाले लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो इतना ज़बरदस्त नहीं होता है जितना आप अपने घर पे बनाएंगे। तो ये वाला आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इसे आप फ्रिज में आराम से 15-20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है क्योंकि इसमें हमने ऑयल डाला है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। पीसते समय अगर दिक्कत आ रही है थोड़ी सी मिक्सी चलते समय, तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दें, और फिर आप इसे पीस करके फ्रिज में स्टोर करके रखें। तो ये एकदम प्योर अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार हो चुका है, इससे आपकी सब्जियों का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है आपकी रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब है टिप नंबर 3, जो कि एक हेल्दी चना स्प्राउट की चाट है। तो इसे बनाने के लिए 1 कप मैंने चना ले लिया है स्प्राउट्स, और नमक, थोड़ी सी मिर्ची, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, और अच्छा चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें अमचूर का पाउडर भी डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो हम इसे माइक्रोवेव में बना रहे हैं, तो कम ऑयल में हमारी चटपटी चाट तैयार हो जाएगी। और ये लीजिए हम एक बार मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद में हम इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो एक माइक्रोवेव सेफ बोल में ही मैंने ये सारी चीज़ों को डाल करके मिक्स कर लिया, और 2 मिनट में एक हेल्दी सा स्नैक तैयार हो जाता है। इवनिंग में या फिर जब भी बच्चों को थोड़ी बहुत भूख लगती है तो उस टाइम पर आप ये वाला स्नैक उन्हें दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने मील में काले चने को ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी काले चने का यूज़ आपको किस तरीके से करना है कुछ और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी बताई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरा टिप है हरा धनिया को स्टोर करना। तो जब भी आप बाज़ार से लेकर के आ रहे हैं हरा धनिया, तो इसके जो रूट्स होते हैं उनको हमें सेपरेट कर लेना है, और इसके बाद में इसमें जो गले हुए पत्ते या पीले पत्ते होते हैं उनको हमें सेपरेट कर लेना है, क्योंकि ये जो गले सड़े पत्ते होते हैं ये हमारे हरा धनिया को बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। तो ये सब हम अलग करके इसे साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसे एक एयरटाइट डब्बे में डाल करके रखेंगे। तो एयरटाइट डब्बे में अगर आप रख रहे हैं तो आप उसमें पहले एक टिश्यू पेपर, किचन टॉवल लगा करके, या फिर कोई कॉटन का पतला सा कपड़ा ज़रूर से रख लें, और उसके बाद में हम हरे धनियों को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर ही इस धनिया को यूज़ करना है तो आप इसे बारीक चॉप करके भी
इसी प्रोसेस से एयरटाइट डब्बे में डाल करके रख सकते हैं। ध्यान इतना रखें कि धनिए को आपको धोना नहीं है, अगर आप धो लेंगे तो उसमें नमी मॉइस्चर रह जाएगा, अब वो पूरा सूखता नहीं है, चाहे कितना ही फ़ैन के नीचे रख करके उसे सुखा लें। तो ये देखिए इस तरीके से आप चॉप कर लें और एयरटाइट डब्बे में डाल करके रख लें। जब भी यूज़ करें तो इसे अच्छे से वॉश करने के बाद में ही आपको इसे यूज़ करना है। तो पहले अगर आप वॉश करके रखेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने टिश्यू पेपर इस बॉक्स में लगा लिया है और इस तरीके से मैंने धनिया को डाल दिया है, तो ये हफ्ते भर तक इस तरीके से रह जाएगा। और अगर आपको लंबे टाइम तक रखना है तो आप इसे चॉप ना करें और ये फिर 10 से 12 दिन तक आराम से धनिया स्टोर कर सकते हैं। अब अगला मेरा टिप है दोस्तों, जब भी हम अपने सिंक के आसपास का जो एरिया है मांज तो लेते हैं, अच्छे से साफ़ भी करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चिकनाई उसमें रह जाती है और एकदम काला काला सा हो जाता है, चिकना सा, तो काई की तरह उसमें जम जाता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना ही हम इसे मांज करके साफ़ कर लें डेली, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कालापन उसमें जम जाता है। तो इसे साफ़ करने के लिए एक ज़बरदस्त तरीका है, इस तरीके का जो वाइट वाला हार्पिक आता है ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ब्लू वाला हार्पिक के बजाय आप ये वाइट वाला यूज़ कीजिएगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जर्म्स को भी किल करता है और साथ ही साथ ब्लीच है होता है इसमें जो जर्म्स को भी साफ़ करता है, साथ ही साथ ये जो कालापन है इसे भी हटा देता है। तो एक पुरानी सी ब्रश मैंने ले ली है और यहाँ पे जो पत्थर और टाइल के बीच में जो जगह होती है जहाँ पे ये काई सी जम जाती है वहाँ पे और नल के आसपास और इसी तरीके से जो वॉश बेसिन के साइड में जो होता है वहाँ पे भी हम इस लिक्विड को अच्छे से ब्रश की मदद से लगा देंगे और फिर आप इसे 10 मिनट छोड़ दें। तो इस तरीके से देखिए सिंक के पास में और जो पत्थर यहाँ पे ग्रेनाइट यहाँ पे जो जॉइंट होता है उस पे भी काफ़ी काई सी जम जाती है और ये नल के आसपास भी जितनी भी गंदगी है ना ये सारी उतर जाएगी, साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये वाइट वाला हार्पिक यूज़ कर सकते हैं जो पत्थर और ग्रेनाइट वगैरह को ख़राब भी नहीं करता है, जर्म्स को भी ख़त्म करता है और ये देखिए ये ब्रश भी कितनी गंदी हो चुकी है, सारी गंदगी उतर जाती है। और फिर आप इसे 10-15 मिनट के बाद में वॉश कर लें और ये आपके हाथों पे भी जलन नहीं देता है, जैसे वो जो ब्लू वाला हार्पिक होता है वो हाथों में बहुत जलन देता है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं होती है। तो ये आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये देखिए एकदम से साफ़ हो जाता है, सारी काई उतर जाती है। इसी तरीके से बाथरूम में भी कई बार नाली के पास भी इसी तरीके से कालापन जम जाता है, तो उसे भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छी और बेस्ट टिप कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इनमें से कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो कर सके और उनका भी किचन का काम और आसान और बेहतर बन जाए। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की मेरी सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि जो भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आज की वीडियो में सबसे ज़बरदस्त टिप आपको कौन सी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।